और आई थिंक आगे चेकिंग चल रही होगी इनके, 2 महीने तक लड़ाई हुई ये सब उसने बताया। ओ भाई शिट मैन। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी फर्स्ट मोटो ब्लॉग की। अपनी पहली जो वीडियो थी मेरी, मतलब रिव्यूज और कंपैरिजन के बारे में बताता था मैं कि आज अपना कंटेंट है स्विच किया है और मैंने स्टार्ट किया है मोटो ब्लॉगिंग। तो आज मैं अपनी पहली मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ और अपना जो एक्शन कैमरा है उसकी भी टेस्टिंग करूँगा, अपनी जो क्वालिटी वगैरह माइक वगैरह यूज़ कर रहा हूँ मैं उसका मैं अगर आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा। पहले आप एक बार बाइक चेक कर लो, बाइक जो है मेरे पास बाइक है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, उसके साथ ही मैं मोटो ब्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ। एक बार बाइक देख लो आप। तो गाइस ये अपनी बाइक है, ये देख लो अपनी जो बाइक है फुल्ली स्टॉक करवा रखी है मैंने, ये देख लो फुल्ली स्टॉक है बाइक अपनी, साइलेंसर वगैरह सब चेंज करवा दिया, सब चीज़ें लगवा दी क्योंकि अपना भाई टूर वगैरह जो वे भाई आउट ऑफ टाउन जाएगा तो मैं नहीं चाहता फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो बाइक को ले जाकर, साइलेंसर वगैरह आए मिरर वगैरह में, तो मैंने सब कुछ स्टॉक करवा दिया है बाइक को, पूरी स्टॉक करवा दिया, आवाज़ आवाज़ सब स्टॉक करा दिया। तो फिलहाल निकल चुके हैं अपने घर से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन क्या है हमारी, डेस्टिनेशन है भाई अपना यहाँ से एक बार शहर का राउंड ले गए। राउंड क्यों ले गए, क्योंकि भाई एक तो अपना जो कैमरे की टेस्टिंग है ना वो करनी है, और थोड़ा सा यार एक मेरे से एंगल है ना मिसमैच हो गया इसका, पता नहीं यार सेटिंग कर रहा था इसका, मतलब एंगल कैमरा एक्शन कैमरा जो है कवर में फिट कर रहा था। ओ भाई शिट मैन, भाई जाम देख लो अब बहुत लंबा जाम है। तो निकला था मैं इसलिए अपना कि भाई अपना एक बार कैमरे की टेस्टिंग कर लूँगा, और दूसरा क्या है भाई एक छोटा सा अपना ब्लॉग बन जाएगा, अपना फर्स्ट ब्लॉग है वो, तो भाई एकदम से अपना कहीं बाहर टूर का डाल नहीं सकता मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कैमरे की टेस्टिंग भी हो जाएगी और एक छोटा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। थोड़ा सा भाई आपको अपना शहर भी दिखा दूँगा मैं, भाई मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश, जिनको पता है उनको तो पता ही है मतलब, पर जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। मतलब यार इस रोड पे है ना सर्वट गेट है, इस पर भाई जाम मिलता ही है जाम, इसमें छोटा मोटा नहीं मिलता, इसमें ख़तरनाक लेवल का जाम मिला जब भी मिला। तो जाम से तो निकल चुके हैं पर आज शहर में जो है ना शहर में जाम बहुत है यार, मतलब जो कंपेयर करूँ अगर मैं नॉर्मल डेज से तो भाई पता नहीं आज क्या है, कोई ऐसा मतलब फेस्टिवल वगैरह भी नहीं है फिर भी जाम बहुत है भाई। बाकी भाई अपना तो क्या है भाई, अपना भाई थोड़ी दूरी जाना है, अपना छोटा सा शहर है इतना बड़ा भी नहीं है दिल्ली वगैरह जैसा, जो एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए बहुत अपना भाई टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, इस मामले में अपना शहर जो है बेस्ट है। बाकी भाई गर्मी इतनी हो रही है भाई, हेलमेट लगाया हुआ है, ग्लव्स पहने हुआ है भाई, क्योंकि अपना भाई राइड अगर राइड कर रहा है बाइक से तो भाई प्रॉपर तरीके से करेगा, अपना ऐसा तो है नहीं कि भाई बस नाम ही करना है, अपना परफेक्ट तरीके से करेगा। गर्मी ने जो है भाई बैंड बजा रखी है, यकीन मानो आप, हेलमेट और वाइज़र बंद कर रखा है, क्योंकि वाइज़र बंद नहीं करूँगा तो अपना भाई जो साउंड क्वालिटी है वे बढ़िया नहीं आएगी। बाकी भाई गर्मी में बैंड बजी हुई है और ये देख लो भाई जाम, ये हाल है भाई, शिव चौक आ चुका है देख लो, ये राइट साइड जो है ये अपना शिव चौक है, जय भोला बाबा की भाई, ये देख लो ये भाई बिना हेलमेट के, ये भाई बहुत गलत चीज़ है, हेलमेट वेयर करके चलाना चाहिए, अपने व्हीकल की इज्जत करो। तो मीनाक्षी चौक पर आ चुके हैं और आई थिंक आगे चेकिंग चल रही होगी या शायद नहीं चल रही, चेकिंग नहीं चल रही, वरना भाई नॉर्मल डेज में यहाँ पे चेकिंग मिल ही जाती है, और भाई अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने पास तो पूरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अपनी बाइक पूरी स्टॉक है, तो अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई चेकिंग से, चेकिंग हो या ना हो आई डोंट केयर, क्योंकि अपने पास सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फुल्ली लीगल तरीके से बाइक चला रहे हैं भाई। फाइनली अपना भाई मुकुल भाई के पास आ गए, मुकुल भाई इधर को देख लो एक बार, ये देख लो मुकुल भाई को क्या देना है यहाँ से, सिर्फ टी आर एस एस थोड़े ना टी आर एस है, तो टी आर एस एस तो कनेक्ट होगा इसमें भाई, मुकुल भाई अपने मुकुल तेजवाल, अपना इनका यूट्यूब पे चैनल है देख लो, मुकुल तेजवाल का नाम था अपना भाई, उनकी डोमिनार है 250, तो इसमें कुछ भी पंगा हो गया था इनका, तो वो इन्होंने सॉर्टेड करवाया, कल सॉर्टेड हुआ है सारा, इनकी 2 महीने तक लड़ाई हुई, ये सब उसने बदल के दिया, पर ऐसी बाइक का दिया कि जो इनका, वो बाइक लेगा ना वो परेशान रहेगा इनका, मैं बता दूं इन्होंने जो है ना ये अपना शोकर चेंज कराया, इनको शोकर में शुरू से डिफेक्ट आ रहा था, जैसे इन्होंने बाइक ली इनको क्या दिक्कत आ रही थी 80-90 जब बाइक बग गए थे ना इनकी, तो इनको फील हो रहा था कि वो राइट साइड जा रही, कंपनी वाले भी इस चीज़ को मान रहे थे क्या ऐसा हो रहा, मान रहे थे पर इन्होंने करवाई लिया है। चलो भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो गाइस बाइक चेंज कर ली मैंने मुकुल भाई वाली हो ले रही डोमिनार, जो कि आपने भाई 250 cc में मैंने बता दिया था पहले भी, इसको राइड करेगा मैंने भाई 400 cc वाली राइड करी थी, 250 वाली कर रहा अब राइड, इसको एक बार पहले भी कर चुका मैं,
पर एक बार फिर कर रहे। तो भाई यहाँ से अपना टाइम लग गया था, अब यहाँ से निकल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं सीधा, अब जा रहे हैं एक बार शहर की तरफ। एक बार मुकुल भाई आ जाओ भाई, अपनी बाइक क्लासिक 350 और अपना गाड़े कहाँ पे, अब जा रहे शहर की तरफ। क्या अपना अब जा रहे भाई सीधा शहर की तरफ, शहर में जाएंगे एक बार, मतलब है तो शहर में ही हम, एक बार शहर के अंदर जाएंगे क्योंकि आउटर एरिया में हम, एक बार अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे भाई लोगों का रिएक्शन, क्योंकि आई थिंक भाई शायद वैसे पहली बार तो है नहीं, और भी भाई दो तीन अपने मोटो ब्लॉगर है यहाँ से, पर एक बार देखेगा लोगों को रिएक्शन क्या रहता है। का जो थंब है ना भाई, थंब एकदम वाइब्रेशन जो देता है ना, थंब इसका वाइब्रेशन जो देता है वो भाई फील आती है कि हाँ भाई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे। ठीक है, समझ गया। क्योंकि भाई सबसे मेन चीज है कि स्पोर्ट्स बाइक हो चाहे सुपर बाइक हो, उसका थंब जितने भाई फील आएगा ना चलाने में, उतना ही लगेगा कि हाँ भाई कोई बाइक चला रहे। इसके जो भाई थंब है ना, थंब बढ़िया है। साउंड क्वालिटी जो है भाई आफ्टर मार्केट में एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट जो है इसमें भाई स्टॉक ही है, तो इस वजह से साउंड में थोड़ी भाई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अच्छा, बाकी भाई वैसे तो बाइक एकदम फिट फोर है, बढ़िया आपने भाई राइडिंग एंड क्वालिटी भी इसकी एकदम मस्त है। यहाँ से एक लोकेशन है, मतलब लोकेशन तो नहीं है, थोड़ा सा मतलब एक मतलब स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, मतलब ऐसे मतलब डिजाइन वगैरह सा मैं दिखा दूंगा आप, ये देख लो भाई, ये जो बना है ना इसको ज़्यादा टाइम हुआ, अभी ये ऑन नहीं है, मतलब चल नहीं रहा, नहीं तो चलता है, जो अपना झरने वगैरह है ना इसमें, इसमें झरने वगैरह चलते हैं। यहाँ पे देख लो भाई मंकीज, इतने सारे बंदर वानर सेना। जीसी की साइड चल ले, जीसी। तो मंडी से तो अपना बाहर निकल लिए, अब जा रहे सीधा कहाँ पे, जीसी की तरफ, मतलब के गांधी कॉलोनी की तरफ। अपना भाई एम्बुलेंस आ रही इधर से, इसको रास्ता देना पड़ेगा पहले। और भाई रिएक्शन जो है ना लोगों का कमाल है भाई, मतलब हर रिएक्शन तो कैमरे में कैप्चर हो नहीं पा रहा वीडियो में, क्योंकि भाई इसको मतलब खोले रखोगे इसका भी बैटरी बैकअप का मुझे अंदाजा नहीं है कि अपनी भाई बैटरी कितना चलेगी कितना नहीं, पर भाई फिर भी अपना ठीक ठाक है इसका बैटरी बैकअप, गोप्रो जितना तो नहीं है, गोप्रो से ठीक नहीं है, मतलब ठीक है अपना सही है बैटरी बैकअप। सोलह का पूरी मेंटर हो चुका है और शायद कैमरे में आ रहा हो या ना आ रहा हो, पर लोगों का रिएक्शन जो है ना ऐसे देख रहे कि पता नहीं कौन आ गया यहाँ पे। और भाई फिलहाल जी सी में अपना एंटर हो चुका है, और ये देख लो यहाँ से अभी तो क्राउड कुछ इतना हैवी है नहीं यहाँ पर, अपना ठीक है, पर भाई हमें तो रिएक्शन कैप्चर करना। अच्छा, अपना देखते हैं भाई, अपने यहाँ से दो जानने वाले दोस्त खड़े, इनसे मिलेंगे एक बार पहचान में। और भाई क्या हाल हो रहा है, पहचान में नहीं आ रहा नहीं, ये तो भाई की है, भाई की है, हाँ मेरी तो वाली है। कहाँ गए थे? गए तो गए नहीं, अभी तो तैयारी कर भाई मोटो व्लॉगिंग के। अच्छा, तो गांधी कॉलोनी से तो अपने बाहर को निकल लिए, अब गांधी कॉलोनी से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि भाई अपना यहाँ का तो हो गया अपना रिएक्शन जो कैप्चर करना था, आई होप कैमरे में आ गया हो, पर रिएक्शन बढ़िया था भाई लोगों का, अपना देख रहे थे दो दोस्त मिल गए थे, ये भी कह रहे थे कि भाई पहचान में नहीं आ रहा। बाकी भाई अपना जो स्पोर्ट्स बाइक है ना, स्पोर्ट्स बाइक को चलाने में फील ये लगा हुआ है, पर भाई अपने पास बुलेट है तो भाई अपने पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए, ज़्यादा की अपेक्षा ना करो, नहीं तो जो है वो भी नहीं मिलता फिर। ठीक है, समझ गया भाई। बाइक अपना स्विच कर ली और एक बार फ्यूल अप करवा लो बाइक्स में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई अपना फ्यूल जो है ना वो थोड़ा कम ना रह जाए, तो एक बार फ्यूल अप करवा लो। क्या कलर ढीला लग रहा है ना, बहुत कलर ढीला, मैं कह तो रहा कलर ढीला हो रहा है इसका, ढीला हो रहा, क्योंकि मैं मेरे वाले का ठीक है क्लच बिल्कुल, इसलिए मुझे शुरू में पता चल गया इसका ढीला हो रहा क्लच, तो एक बार फ्यूल अप करवा लो उसके बाद शुरू करते हैं बाकी को लोग। हेलमेट जो है ना, हेलमेट लगाने के बाद क्या क्या चीज मेरे कपड़ों में वैसा नहीं, नहीं ऐसा क्यों नहीं, लोर में भी चला जाऊंगा कहीं हो जाए कभी कभार ऐसा, पर एक बार कहूं जितने भी उसमें कमियां दिखती है दूर से बहुत, अब कहां दिखेगी, अब अनमोल अतरी ने चला रही इसको अनमोल 9333 ने चला लिया, अब इसको अपनी दिखने की इसमें कमी नहीं, जब वो इसमें अब तो स्मूथ होगी होगी, हां अब तो स्मूथ हो रही, सही चल रही, पहले चलाई थी उसका कंपैरिजन में तो बढ़िया चल रही। फिलहाल हालत देख रहे हो, पीछे का मौसम देख लो कितना सेक्सी हो रहा, बादल जो है ना क्लाउडी हो रहा है, मजा आ रहा है अपना भाई, स्टिंग लेके थोड़ी सी एनर्जी लेवेगा उसके बाद चलेगा, देखो बल्लों का क्या हाल होगा। और भाई राइडिंग करना है ना, एक टास्क है वो भी सिटी के अंदर, तो टास्क है बहुत बड़ा, वो भी इतनी गर्मी में कर रहे राइडिंग भाई, हालत टाइट होगी, हाँ जाम में भाई बहुत चिक चिक है अपना भाई, जो भी अपना कोई नहीं, अपना ज़्यादातर तो हाईवे पे ही करा करेगा। तो
तो जैसा मौसम हो रहा था वैसी कंडीशन भी होगी, बारिश होने वाली है। और भाई हमने प्लान करा कि भाई घर ही चल ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग भाई मेरा कैमरा भीग जा और मेरा भारी नुकसान हो जा, तो इसलिए हम चल रहे हैं घर। हमारा डिसीजन यही है कि भाई घर ही चल ले अपना सीधा, क्योंकि बारिश आने से पहले अपना घर पहुंच जाए वो बढ़िया है, क्योंकि उसका वाटर प्रूफ केस है जो वो भाई बीच में से कटा हुआ है बिकॉज ऑफ माइक, माइक में जो है एडाप्टर लगाया है उसकी वजह से काटना पड़ा, तो कैमरा पूरी तरीके से वाटर प्रूफ नहीं है वाटर प्रूफ केस में होने के बावजूद भी। फाइनली मेरा घर तो आने वाला है और अपना मुकुल भाई है वो राइट मुड़े जाएगा तो उनका भी घर आ गया। भाई हम चल रहे सीधा अपने घर की तरफ, ये वो लोग एंड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है बारिश होने वाली है और फिलहाल अभी मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना पड़ेगा और घर जाकर अपना भाई पूरा चेंज करना पड़ेगा। भाई पसीने है ना, मौसम इतना मतलब ठंडा हो रहा है बाहर का, पर अंदर जो है ना अंदर भाई गर्मी इतनी है बस कह ही नहीं सकते। तो भाई फिलहाल अपना चल रहा है सीधा घर पे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आप पे नए नए व्लॉग है जो ये टाइम पे नोटिफिकेशन आते रहे और आप मेरे व्लॉग्स का एंजॉय लेते रहो। और भाई ये देख लो यहाँ से बहुत भीड़ है भाई, शहर में बहुत भीड़, मतलब भीड़ की कुछ हद ही नहीं है यहाँ पर।